कमर्शियल जोन में एंटरटेनमेंट फिल्म बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। कमर्शियल फिल्म का फार्मूला साफ है, एक नायक होता है जो सुपर हीरो होगा और एक नायिका होती है जो हीरो के साथ गाने गाती है और एक खलनायक होगा जिस पर जीत हासिल करके हीरो हीरो बनता है। लेकिन इस फॉर्मूले पर भी लगातार नयापन देते हुए मनोरंजक फिल्म बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसमें रोहित शेट्टी को महारत हासिल हो गई। सिम्बा की कहानी में भले ही नयापन ना हो, मगर एक अलग ट्रीटमेंट के साथ रोहित शेट्टी ने पूरी तरह मनोरंजक फिल्म बनाई है। फिल्म के एक एक फ्रेम पर उनकी पकड़ साफ नजर आती है। फिल्म की भव्यता के लिए जाने वाले रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को भी भव्य की चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं, फिल्म देती है सशक्त संदेश। फिल्म में कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, साथ ही साथ एक सशक्त संदेश भी है। अभिनय की बात करें तो बाजीराव और अलाउद्दीन खिलजी है से एक कदम आगे रणवीर सिंह को स्क्रीन पर देखते ही बनता है। वह इमोशन होकर फिर कॉमेडी एक्शन रणवीर सिंह हर पहलू पर 100% खड़े उठते हैं। उनके इस यादगार परफॉर्मेंस से एक बात तो तय हो गई कि सिम्बा का सफ़र यहाँ नहीं रुकेगा। सिम्बा 2 और सिम्बा 3 से भी कहीं आगे जाता हुआ कारवां नज़र आता है। बात करें सारा अली खान की, तो सारा अली खान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया और नायाब तोहफा बनकर आई है, जिसे उन्होंने पहली फिल्म से साबित कर दिया। सोनू सूद एक अलग अंदाज में नज़र आते हैं, उनको देखकर एहसास होता है कि वह यह पात्र सचमुच इतना खतरनाक हो सकता है, साथ ही साथ उतना ही मानवीय। मराठी के सुपरस्टार सिद्धार्थ जाधव ने भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं ईमानदार हवलदार बने आशुतोष राणा अपने किरदार को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अरुण नालवड़े और अश्विनी कलसेकर समेत सभी अभिनेताओं ने अपने किरदारों में जान फूंकी है। कमर्शियल सिनेमा के रग रग से वाकिफ हो चुके रोहित शेट्टी ने एक छोटे से ही किरदार में सिंघम की एंट्री कराकर एक्स्ट्रा तालियां और सीटियों का इंतजाम भी कर लिया। अजय देवगन को देखकर आप खुद ही सीटी बजाने से नहीं रुक पाएंगे। बादशाह और तनिष्क बागची, अमर मोहिले समेत सभी संगीतकारों ने चार्टबस्टर संगीत दिए। जो मोंटी जॉन और सिनेमाटोग्राफी को फिल्म ना भव्य काफ़ी ज़्यादा बनाती है, बाकी मंत्रमुग्ध कर देती है। बटी नंगी ने फिल्म को बेहतरीन ढंग से एडिट किया है। वहीं कुल मिलाकर सिम्बा एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है, जिसका आनंद आप सपरिवार उठा सकते हैं। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इसका डायरेक्शन जो रोहित शेट्टी ने किया है शानदार किया है। वहीं इसकी कहानी जो है आपको कुछ नई नहीं लगेगी, लेकिन इसके अंदर काफ़ी नयापन अलग तरीके से दिखाया हुआ है। दोस्तों, ये इसकी अवधि है 2 घंटे और 45 मिनट और इस मूवी को हम देने वाले हैं 4 स्टार। तो आज जाइए इस मूवी को ज़रूर देखिए और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी है। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।